लगातार प्रदेश की सरकार कोरोना के इलाज और संसाधन का ढोल पीटते नजर आ रही है कि तमाम अस्पतालों में हमारे संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, दवाएं उपलब्ध हैं, उपकरण उपलब्ध हैं, डॉक्टरों के लिए समुचित व्यवस्था इलाज के लिए की गई है। तो एक प्रश्न है कि कल आईएमए ने एक सूची जारी कर कहा है कि कोरोना के इलाज के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर 98 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी है, जो बेहद चिंता का विषय है। आखिर प्रदेश में 98 डॉक्टरों की जान पर्याप्त संसाधनों के अभाव में अगर जाती है तो राज्य सरकार पर एक बड़ा सवाल है, जिसे राज्य सरकार को जवाब देना होगा। आखिर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इस आपदा की स्थिति में लोगों का इलाज कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के तहत आवश्यक सेवाओं में लगे राज्य सरकार के संविदा कर्मी और खासकर पत्रकारों की हम बात करें कि लगातार इस कोरोना काल में कई अहम पत्रकारों की जानें चली गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़े विनम्रतापूर्वक ये मांग करते हैं कि ऐसे पत्रकारों के लिए भी विशेष सुरक्षा पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी भी सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बेहद आवश्यक है और लोजपा इसकी पुरजोर तरीके से मांग करती है कि इनके लिए आवश्यक पैकेज की अविलंब घोषणा की जाए।